नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 के लिए मैथ। ये सेट आपका डी है, सेट ए बी और सी जो है आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/10 का आधा होगा। 1/10 का आधा क्या होगा? 1/10 है और आपको आधा करना है, तो आधा करने का मतलब होता है 1/2 से भाग देना। तो 1/2 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देते हैं ना 2 से। किसी चीज़ को भी आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो इसके आधा करेंगे तो हो जाएगा 1/20। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, इतना अंकों के वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या क्या होगा? इसका वर्गमूल निकालना है, समझ गए। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, आप देख रहे हैं ये 64 है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो इसका हो गया 8। और 2 जीरो को 1 जीरो लिखना होगा आपको, क्योंकि डबल होता है तो 1 होता है। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो हमारा कितना अंक आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पाइथागोरस त्रिक है, तो पाइथागोरस वही होता है जब हम किसी दो को स्क्वायर करने के बाद और जोड़ने पर तीसरे के बराबर आ जाए। इसमें से देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 25। तो इधर हम जोड़ेंगे तो 25 होगा, बराबर 25 आ रहा है। मतलब किसी भी 2 को स्क्वायर करने पर तीसरे के बराबर आ जाए तो पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। चार नंबर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। यदि वर्तमान आयु 1 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, यानी कि 5 वर्ष पहले का आयु जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में आपका 1 है, 5 वर्ष पहले का आपका पूछा जाएगा, तो 5 घटा देंगे उसमें से, तो 1-5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको मिलान करना है, तो हम मिलान करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको हम मिला देंगे इसमें, ठीक है, मिलान कर दिए। उसके बाद होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, तो इसको मिला दिए क में। आयत का क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको मिला दिए ख में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, और बेलन का आयतन बराबर दोस्तों πr² h होता है, आप याद रखेंगे, तो इसको हम इसमें मिला दिए ग में, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तीन नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को आपको भरना है। क्षेत्रफल का घात भाजक के घात से क्या होता है, भाजक के क्षेत्रफल का जो घात होता है, भाजक के घात से जो है आपका क्या होगा, कम होगा, इसमें आपको कम भरा जाएगा। उसके बाद है माइनस ए बी में भाग देना है माइनस बी से, तो क्या होगा, देखिए माइनस ए बी में भाग देना है माइनस बी से, तो बी से बी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 9x² - 6x+1 है, तो इसका फैक्टर आपको जो है निकालना है। देखिए कैसे बनेगा, 9x है स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 3x² होल स्क्वायर, और ये -6x को आप लिख सकते हैं 2 × 3x × 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, 3x - 1 के होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है, और देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ था, ये माइनस वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एकपदी एवं एक द्विपदी बहुपदों का गुणनफल बहुपद क्या होगा, एकपदी है या द्विपदी है? तो दोस्तों एकपदी या द्विपदी, तो द्विपदी ना होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा द्विपदी बहुपद, ठीक है। इसके बाद आप चार नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बॉक्स में समझ कर भरिए, समझ कर आपको भरना है, यहाँ पर क्या भराएगा। यदि क्रयमूल 250 रुपया है, व्यय 50 रुपया, तो लागत मूल्य क्या होगा आपको बताना है। चार के पहला नंबर देखिए, क्रय मूल्य 250 रुपया, ऊपरी व्यय का मतलब हुआ कि आप कोई सामान खरीदे 250 रुपये में, और उसके बाद उसमें भाड़ा लगा,
ले जाने में भाड़ा लगेगा ना। मान लीजिए चौकी खरीद लिए आ भाड़ा दे दीजिएगा ना ले जाने के लिए घर पे, उसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा आपका? 300 रुपया। तो यहाँ भाड़ा जाएगा आपका 300 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, व्यंजक का घात लिखना है। क्या लिखना है जी? घात। तो एक्स के पावर कितना घात है? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6। अब 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक जो है प्रतिलोम आपको बताना है। तो 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, मतलब उल्टा आपको लिख देना है। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का दूसरा नाम है वृत्त चित्र। वृत्त चित्र नाम है, वृत्त चित्र इसका हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। यदि आपको हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम देखिए बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, अंतर कितना है? 5 मीटर है, और परिमिति 110 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। देखिए माना कि लिखेंगे, माना कि लंबाई जो है लंबाई 1 मीटर हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 1 - 5 मीटर अंतर है, तो ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका जो है लंबाई एल बराबर हो गया, और ये आपका बी बराबर हो जाएगा। और आपका क्या दिया हुआ है? परिमिति दिया हुआ है। परिमिति कितना है दोस्तों? 110 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि आयत के परिमिति बराबर यहाँ लिखेंगे, आयत के परिमिति बराबर, आयत के परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है ना 2 × L + B, तो लिखेंगे 2। L कितना था? x, और ये था आपका 1 - 5, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और परिमिति दिया है बराबर, इधर आपको परिमिति कितना दिया है? 110 लिखेंगे, ठीक है। 2 आके इधर बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55, इधर हो जाएगा 2x - 5, तो ये -5 जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना? 60 हो जाएगा ना, 2x = 60, तो 2x = 60 हो जाएगा, ये 2x = 60। तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, यानी कि l हो जाएगा 30 मीटर, और आपका चौड़ाई हो जाएगा 5 घटा देंगे तो 25 मीटर। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, आपको दिखा भी देते हैं। आपको देखिए ये आपका है x मीटर, मान लीजिए x - 5 मीटर हो जाएगा, परिमिति आपका 110 मीटर, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई फॉर्मूला होता है, जोड़ेंगे तो x 2x - 5, ये 2 गुणा में रहता है तो बाटा में हो जाता है, यहाँ हो गया 55, और ये आपका माइनस जो है इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो 1 = 30 मीटर आ गया, तो लंबाई हो जाएगा 30 मीटर, 30 में से 5 गया तो चौड़ाई हो जाएगा 25 मीटर। तो ऐसे आप बना भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दी गई आकृति के फलकों की संख्या एफ शीर्ष और भी जो है किनारों की संख्या ही है, तो आयलर का सूत्र स्थापित कीजिए। जैसे कैसे देखिए हम सूत्र स्थापित करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फलकों की संख्या 6 होता है, शीर्ष की संख्या आपको 8 हो जाएगा, किनारों की संख्या 12 होता है, आपको पता होगा घनाभ में, तो टोटल आयलर क्या हो जाएगा? 6 + 8 - 12 = 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 और 2 हमारा ये साबित हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आयलर का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है आपको बताना है। देखिए कैसे बनेगा, माना कि दूसरी संख्या 100 हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या क्या हो गया? 100 हो गया, तो दूसरी संख्या 100 हो जाएगा, तो पहली संख्या से 20 अधिक है, तो 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, तो अंतर है 20, तो 120 - 100 यानी कि 20 आ गया ये आपका। तो प्रतिशत की कमी क्या है? अंतर, अंतर 20 बटा पहली संख्या 120 × 100 है, तो ये हमारा आ जाएगा 16.2/3% आंसर हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा सवाल है 3.004 × 10^8 को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। सामान्य रूप में कैसे व्यक्त करें? सामान्य रूप में हमको व्यक्त करना है, तो हमारा क्या है सवाल, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3.00 जो है 0004 × 10^8 क्या है? 8 है, ये दशमलव यदि हम हटा देते हैं तो नीचे कितना जीरो बैठेगा? 4 को 0 बैठेगा ना, और ये है 10^8, तो अब हमारा क्या होगा, ये 3000 और 10^4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 को 4 0 है, 4 को से कटेगा ना, तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो
3004 लिखेंगे, और ठीक है, और 10^4 है तो 2 4 को और 0 बैठा देंगे, ये हमारा हो जाएगा सामान्य रूप में, ये हमारा सामान्य रूप हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कि आलेख के आधार पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ये आपका आलेख है। इधर कितना है आपका, ऊपर जो है आलेख जो है ढक्कन में लगे एक कागज़ का जो है, कागज़ जो लगा हुआ है ये, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। 12 है और क्या है आपका इसमें, 12 है और ये आपका 17 है, ठीक है। जो इसमें आप देख रहे हैं ढक्कन का, इसमें ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या है कि हमारा ढक्कन में लगे कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरीके का है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(lh+r), तो 2πr(h+r) उस फॉर्मूला पे आपको बनाना है। तो 12 हो जाएगा h, यानी ऊंचाई हमारा टोटल 12 हो जाएगा, और आपका r जो है 7 हो जाएगा। इस तरह से हमको बनाना है ये। तो हमारा r का मान कितना हो गया, r का मान हमारा हो जाएगा 7 और h का मान हो गया हमारा 12। तो आप जो है इस फॉर्मूला को बनाएंगे 2πr(r+h), इसमें हम मान रख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो दोस्तों यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।